जय हिंद। आप लोगों को फिर से जेपीएससी विद अमन की क्लास में स्वागत है। और आज की क्लास में आप लोगों को साथियों एवं दोस्तों अदिश राशि और सदिश राशि आप लोगों को इस तरह से समझाया जाएगा ताकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग बैठिए तो इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन को मिस करके नहीं आइएगा। आप लोगों को एक्चुअली हम बता दें कि इससे पहले हम एक एक टॉपिक पढ़ा चुके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो मातृक था। हम उसको आप लोगों के लिए क्लास हम उसका ले चुके हैं, आप लोग उसका जाकर देख सकते हैं। ये आप लोगों का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो साइंस में सभी एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोगों को इसको ध्यान देना है। वो टॉपिक का नाम है सदिश राशि और अदिश राशि, ठीक है, इसको आप लोगों को पढ़ना है। ये जो होता है भौतिक विज्ञान में जिन दो राशियों का जो अध्ययन किया जाता है, जिन जिन राशियों का अध्ययन किया जाता है वो मुख्यतः दो प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। जो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में जो हम राशि का अध्ययन करते हैं वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? अदिश राशि, एक होता है सदिश राशि। अदिश को इंग्लिश में कहते हैं स्केलर और सदिश को कहते हैं वेक्टर। इसको हम आप लोगों को डिटेल में समझाएंगे, थोड़ा देखिए। अदिश राशि यानी स्केलर क्या होता है कि जिन भौतिक राशियों में, याद रखिए वो क्या याद रखना है कि जिन भौतिक राशियों में केवल केवल क्या होता है, केवल परिणाम यानी मैग्नीट्यूड होता है, केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होता है, और जिनकी निश्चित दिशा, दिशा कहने का मतलब निश्चित डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होता है, तो उसे क्या कहेंगे, स्केलर कहेंगे यानी अदिश राशि कहेंगे, ठीक है, स्केलर कहेंगे। अब इसका जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है आप लोग थोड़ा देखिए, इस एग्जाम में जो जीपीएससी हो गया कोई भी अनदर कॉम्पिटिशन होता ना, तो इससे ये डिफिनेशन क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि डिफिनेशन इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसका जो एग्जाम्पल होता ना उससे उठा कर आपको दे देगा। जैसे कि आप पहले एग्जाम्पल देख लें, इसका अदिश राशि का जो एग्जाम्पल होता है वो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है, दूसरा होता है समय होता है यानी टाइम, तीसरा होता है चार और स्पीड, और चौथा होता आयतन यानी वॉल्यूम और घनत्व, फिर कार्य ऊर्जा विद्युत धारा टेम्परेचर, ये सब जो होता है ना साथियों आप लोग याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये होता है अदिश राशि के एग्जांपल। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा भाई, वो देखिए कि क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए आपको द्रव्यमान, अब बोल देगा द्रव्यमान कौन सी राशि है, ऑप्शन ए कैसे पूछ देता है, ऑप्शन ए सदिश राशि, ऑप्शन बी अदिश राशि, ऑप्शन सी दोनों राशि और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। इसलिए आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन को, सॉफ्ट क्वेश्चन को आप लोगों को एग्जांपल याद रखना होगा, कभी भी कोई भी एग्जाम में डिफिनेशन से जल्दी क्वेश्चन नहीं देता है। चलिए आप लोगों को हम इससे आगे सदिश राशि आप लोगों को समझा देते हैं, जो होता है आप लोगों के लिए वेक्टर। क्या होता है? वेक्टर। जिन भौतिक राशि में क्या होता है कि जिन भौतिक राशि में परिणाम के साथ साथ डायरेक्शन यानी मैग्नेट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की आवश्यकता होती है तो उसे क्या कहेंगे, आपको याद रखना होगा, इसको कहेंगे सदिश राशि। इसको क्या कहेंगे? सदिश राशि। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक होगा, इसको कहेंगे सदिश राशि, ठीक है, याद रखिएगा। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सदिश राशि, आप लोगों को याद रखना होगा। जिसमें, अब देखिए याद करने का ट्रिक, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो उसको स्केलर कहेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड और क्या कहते हैं डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता हो उसको कहेंगे सदिश राशि। देखिए क्या होता है, वेक्टर में क्या होता है ना, इस तरह का टोपी लगा हुआ रहता है, तो जिसमें टोपी लगा हुआ रहता है, जैसे मान लीजिए वेक्टर, जैसे कि आप वेक्टर में पकड़ लीजिए, जैसे वेग पकड़ लीजिए, वेग पर विस्थापन या बल, बल पर भार, त्वरण, कुछ भी पकड़, एक्सेलरेशन लीजिए, ए लिखा रहता है इसके ऊपर, देखिए ऐसे करके डंडी रहता है, तो ये डंडी जो रहता है ना साथियों, जो डंडी ऊपर में जो माथा से घेरा हुआ रहता है वो वेक्टर की पहचान है। और इस वेक्टर यानी सदिश राशि से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आप लोग जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन जो पूछता है, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जरा एक बार देख लेते हैं, वेग विस्थापन संवेग बल भार त्वरण आवेग यानी आवेश, ठीक है, आदि, ये जो एग्जाम्पल है आप लोग याद रखिएगा, यही एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ देगा कि ये बताइए कि वेग जो है वह किस राशि में आता है। इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों का शॉर्ट पोजिशन होता है, इसमें जो क्वेश्चन, इस सब क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन जो बीट कर जाता है, जो गलती कर देता है वो डायरेक्ट एग्जाम से घट जाता है, उसका डायरेक्ट वो खत्म, वो उसका एग्जाम होने वाला नहीं है, मतलब वो उसका सिलेक्शन होने वाला नहीं है, ये डायरेक्ट सॉफ्ट क्वेश्चन को जो मिस करते हैं साथियों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक्चुअली ये सदिश राशि और अदिश राशि बताने का यही मेन रीजन था कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसे पकड़ाया जाए। ये हम मेरा साइंस का सेकेंड क्लास था, इससे पहले हम फर्स्ट क्लास ले चुके हैं मातृक, यानी आप लोगों को जाकर देखना होगा। चलिए साथियों फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।